का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पोयम द रोड नोट टेकन ले रहे हैं बिहेव से, और इसके क्वेश्चन आंसर आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। कि ट्रेवलर ने अपने आप को कहाँ पाया और व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसने क्या प्रॉब्लम को फेस किया। आंसर है इसका, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट इन द वुड्स वेयर टू रोड डाइवर्ज। कि ट्रेवलर ने अपने आप को एक छोटे से जंगल में पाया। वुड्स का मीन्स होता है छोटा जंगल, फॉरेस्ट बड़ा जंगल होता है, वुड्स छोटा जंगल। वेयर टू रोड डाइवर्ज यानी कि उसने अपने आप को एक छोटे से जंगल में पाया जहाँ पे दो रोड निकल रहे थे, जहाँ से एक रोड से दो रोड बन रहे थे आगे चलकर। जैसे ये रोड है, इससे एक रोड इधर, एक रोड इधर। अब उसने प्रॉब्लम क्या फेस की, द प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ रोड, डज ही हैड टू चूज वन बिटवीन देम। प्रॉब्लम ये थी कि वो जब यहाँ से आगे रोड निकल रहे थे ये, तो वो एक साथ दोनों रोड पर तो जा नहीं सकता था। तो अब उसको ये चूज करना था कि उसको इस रोड पे चलना है, इस वाले पे या फिर इस वाले पे। ये प्रॉब्लम थी उसके सामने कि उसे कौन सा रोड को चूज करना चाहिए। नंबर टू है, डिस्कस व्हाट दीज फेसेस मीन्स टू यू। ये जो फेसेस दिए गए हैं इनका क्या मीनिंग है। तो पहला है हमारा ए येलो वुड, इसका मीनिंग क्या है। ए येलो वुड का, ए येलो वुड जो है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ए फेज ए येलो वुड ये इंडिकेट करता है ए फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। कि ये जो बात है, ये जो जंगल है वो ऑटम सीजन की बात की गई है, मतलब जाड़ों का जो मौसम है जिसमें पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये उस टाइम की बात है। तो येलो वुड जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ऑटम सीजन को। सेकंड है आपका ग्रासी एंड वांटेड वियर का मीन्स है कि जो रोड है वो फुल ऑफ ग्रासेस, पूरे रोड पर ग्रास बना हुआ है, घास से पूरा रोड भरा हुआ है। हैज बीन लेस ट्रेवल, इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके ऊपर बहुत कम लोग चलते होंगे, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर ट्रेवल किया है। इट वांटेड पीपल वॉक, अगर इफ वांटेड पीपल टू वॉक, अगर इस पर लोग चले हुए होते सो दैट इट कैन वियर आउट, तो इस वजह से इसके ऊपर जो ग्रास है वो कुचला हुआ होता। लेकिन ऐसा है नहीं, इसके ऊपर ग्रास बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत ही लेस ट्रेवल किया हुआ है, बहुत कम लोग उसके ऊपर ऊपर घूमे हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मीन्स क्या है, द फ्रेज द पासिंग देयर रेफर टू वॉकिंग ऑन द रोड। ये वर्ड किसके लिए रेफर किया गया है, वॉकिंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर चलने के लिए। फोर्थ है द लीव नो स्टेप हेडन ट्रोडन बैक इंडिकेट, इससे क्या इंडिकेट होता है, दैट द फॉलन लीव हैज नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवल। कि जो पत्तियाँ उससे पड़ी हुई हैं वो पत्तियाँ टूटी हुई नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब लोग उसके ऊपर बहुत कम चले हुए हैं, इसकी वजह से वो पैरों के नीचे क्रश हुई नहीं है, पैरों के नीचे वो कुचली नहीं गई है। नेक्स्ट है आपका हाउ वे लीड ऑन द वे द फेस, इसका मीन्स क्या है, दैट वन रोड लीड टू अनदर। कि एक रोड दूसरे से दूसरे को लीड करता है। सो वंस द पोएट हैज मेड ऑफ चॉइस, तो इसलिए पोएट जो है वो चॉइस करता है, चॉइस बनाता है कि उनसे दोनों रोड में से कौन से को चूज करना है। ही वंडर इफ ही विल एबल टू बी एबल टू कम ऑन द सेम डाइवर्जेंस एंड चूज द अदर वन। तो वो ये चाहता है कि मैं हो सकता है इस रोड से भी चल सकता हूँ आराम से और दूसरे को भी चूज कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज द पोएट डिस्क्राइब देम। कि जो दो रोड हैं इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, अगर है तो डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब किया है पोएट ने इसमें। तो इन स्टेंजा टू एंड थ्री, सेकेंड और थ्री स्टेंजा में क्या किया गया है, नो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू रोड, कि दोनों रोड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज द पोएट डिस्क्राइब देम इन, जैसे कि पोएट ने उसमें डिस्क्राइब किया है। स्टेंजा टू एंड थ्री एज ही से, जैसे कि स्टेंजा सेकंड और थर्ड में वो कहता है कि द पासिंग देयर हैड वोन एंड देम रियली अबाउट द सेम एंड द इक्वली ले इन द लीव नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। इसका मीन्स क्या है कि द पासिंग देयर हैड वोन द रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही रोड पर बहुत ही कम लोग चले हैं। इक्वली ले क्योंकि दोनों पर ही इक्वली पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, पेड़ की जो पत्तियाँ है, ऑटम सीजन की बात है, पेड़ों ने पत्ती गिरा दी तो दोनों पे इक्वली पड़ी है
और वो ट्रोजन ब्लैक जो है लोगों से द्वारा तोड़ी नहीं गई है, पैरों के नीचे कुचली नहीं गई है। फिर नेक्स्ट है, इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम, इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम उनमें क्या कहा गया है, इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम द पोएट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, ए डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज ही से दैट ही टुक द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल बाय दैट ही मेड ए ह्यूज डिफरेंस इन हिज जर्नी। बाद में पोयम कहता है, उसने एक छोटा डिफरेंस बताया है कि ही से दैट, वह क्या कहता है, ही टुक ए रोड, उसने जो रोड लिया है जिस पर वो चल रहा है दैट वॉज लेस ट्रेवल, कि उस पर बहुत कम लोग चले हैं, बाई एंड दैट ही में, इसलिए वो एक बड़ा सा डिफरेंस उसकी जर्नी में बना सकता है क्योंकि उस पर बहुत कम लोग गए हैं तो उसको पता नहीं कैसी होगी, इसलिए हो सकता है उससे उसकी जर्नी जो है वो डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम, लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। बाद की टू लाइन में जो पोयम की जो बाद की दो लाइनें हैं उसका क्या मतलब है, लुकिंग बैक पीछे देखो, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और वो क्या इसको एक्सेप्ट भी करता है, तो आंसर है द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम टॉक अबाउट टेकिंग डिसीजन एंड एक्सेप्टिंग इट कंसिक्योस, एक्सेप्ट इट कंसिक्वेंस, जो लास्ट की टू लाइन है उनमें पोयम पोएट जो है वो बात करता है अपने डिसीजन के बारे में और एक्सेप्ट करता है इससे जो भी हुआ, क्या इसका रिजल्ट आया, अच्छा हुआ या बुरा, जो उसने चूज किया था वो रोड वो अच्छा है कि बुरा। द पोएट चोज द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल बाई, पोएट ने वो रोड चूज किया था जिस पर बहुत कम लोग चले थे, विच इंडिकेट, जिससे पता चलता है, ही टुक ए डिसीजन दैट पीपल वुड नॉट टेकल जर्नली, इससे पता चलता है कि वो डिसीजन लेता है, वो काम करता है जिसको लोग जनरली नहीं करते हैं, यानी कि वो लोगों से कुछ हटकर करना चाह रहा है। ही से इन द लास्ट लाइन, ही से इन द लास्ट लाइन, वो लास्ट लाइन में कहता है द पोयम दैट ही चॉइस ऑफ टेकिंग ऑन द रोड इज लेस ट्रेबल बाई हैज सेम मेड ऑल डिफरेंस, इसलिए वो बाद की लाइन में कहता है कि उसकी जो चॉइस है उसने वो रोड लिया है जो कम चला हुआ था जिससे कि वो एक बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सके, क्योंकि जो लोग उस पर चले नहीं उनको क्या पता, हो सकता है मैं इसमें ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँ। He does not seem to regret his choice. इसलिए वो अपनी जो उसने चॉइस की है उस पर उसे कोई बस शर्मिंदा नहीं है, वो खुश है अपनी चॉइस से कि हाँ भाई मैंने कुछ तो अलग किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। Have you ever had to make difficult choice? Or do you think you will have the difficult choice to make? How will you make the choice? For what reason? Have you ever had मेक ए क्या तुमने कभी कोई डिफिकल्ट चॉइस ली है? डू यू थिंक, क्या तुमने क्या सोचा उसको लेकर? डू यू विल, क्या तुम इसमें कुछ डिफिकल्ट चॉइस आपने क्यों ली, क्या कारण था? हाउ विल यू मेक द चॉइस, आपने ये चॉइस क्यों ली थी? आंसर है वी ऑल मेक चॉइस ऑन डेली बेसिस, हम चॉइस जो भी कुछ करते हैं वो अपने डेली बेसिस पे करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं। आई हैव नॉट हैड मेक ए डिफिकल्ट चॉइस टिल डेट, आज तक मैंने कोई भी डिफिकल्ट चॉइस नहीं ली है। I will have to face challenges in years to come as I grow. जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने अलग अलग चीज़ों को, challenges को accept किया है और face किया है। I grow up, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ then I will have to make difficult choice. इसलिए मैंने एक difficult choice ली, इसमें मैंने जो काम चुना वो difficult काम को चुना। I will have to choose my profession. मैं अपने प्रोफेशन को भी चूज कर सकता था, माई एरिया ऑफ इंटरेस्टेड, जो जिस एरिया में मुझे इंटरेस्टेड है, जिस काम में मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे अपने प्रोफेशन में भी उसी को चूज करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक व्हेन सच ए सिचुएशन विल कम, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आई विल नॉट जस्ट फॉलो द हियर्ड, कि मैं केवल सुनी सुनाई बातों को फॉलो नहीं करूँगा, जैसा कि सुन लिया उसको फॉलो। आई विल थिंक इट थ्रो ए जस्ट लाइक द पोएट, मैं बिल्कुल पोएट की तरह, जैसे पोएट ने ऐसा रास्ता चुना जिस पे कम लोग चले गए थे, ऐसे ही मैं भी दूसरी उसको चुनूंगा जिस पे चुनौती भरा हो। इफ रिक्वायर्ड आई विल टेक अप एन एक्सप्लोर पाथ, इसलिए मैं भी एक ऐसा पाथ लूंगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जिसमें मैं कुछ एक अलग चीज कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू है, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माई हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, अगर आपने कभी कोई चॉइस ली है और उस चॉइस के लेने के बाद क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप ये नहीं लेते दूसरा ले लेते तो क्या होता, क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? देयर इज नो पॉइंट
इन रिग्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट वाट माई हैव बीन। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि भाई मुझे बाद में ये सोचना पड़े कि वैसा होता तो क्या हो जाता, अगर मैं उसको चूज करता दूसरी बात को तो क्या होता। सच थॉट विल ऑलवेज कीप अस इन होल्ड ऑफ पास्ट एंड नेवर लेट अस सी इन द बेनिफिट ऑफ द चॉइस वी मेड। एक्सेप्टिंग रियलिटी इज द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी सिचुएशन। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भाई कोई चीज़ चूज करो और फिर अपने पास्ट को याद करें। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि हम भाई लास्ट में कुछ चूज कर लेते और वो हमारे लिए अच्छा होता। नहीं, हमें जो भी हमने चूज किया है उसमें पूरी मेहनत के साथ उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। रियलिटी को एक्सेप्ट करके और बेस्ट वे से अपनी पूरी मेहनत के साथ उस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए, उस सिचुएशन को सोल्व करना चाहिए, तभी जाके हम सक्सेस होंगे। अगर हम ये सोचेंगे भाई हमने लास्ट में अगर हम ये ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तो इससे कभी भी कुछ नहीं होगा। जो हमने चूज किया है उसमें हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर ही सक्सेस मिलेगी। और इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर आपके फिनिश होते हैं।